अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज क्लिनिकल डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट सबीना सर। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हाँ जी, तो भाई बहुत ज्यादा क्लाइंट्स के, फॉलोअर्स के, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि बहुत ज्यादा स्किन डल हो गई है, ड्राई हो गई है, क्योंकि हमने रमदान में अपनी डाइट का तो ख्याल रखा नहीं, हेल्थी फूड लिया नहीं है, फ्राइड फूड लिया है, कुछ भी हमने हाइड्रेशन का ख्याल नहीं रखा और स्किन हमारी हो गई खराब और बारी है ईद, तो हम क्या करें। और अब क्योंकि टाइम बहुत कम है ईद में, तो हम ऐसे भी कोई डाइट से भी हमारा, क्योंकि डाइट को टाइम चाहिए होता है, जब हमें कोई प्रॉपर स्किन रिलेटेड डाइट लेनी है उसके लिए हमें एक टोटल स्पैन चाहिए होता है, ताकि बॉडी के अंदर आपकी अब्सॉर्प्शन हो सके और एक प्रॉपर, हमें एटलीस्ट 5 to 6 months लगते हैं एक प्रॉपर स्किन के रिजल्ट्स लेने सिंपल हेल्दी डाइट से। तो अब क्योंकि टाइम शॉर्ट है, तो अब कुछ ऐसा बताएं कि हमारी स्किन डल है, ड्राई है, और इस पे हम चाहते हैं कि हमारी स्किन ग्लो करे। सो आज मैं आपके लिए इंस्टेंट ग्लोइंग मास्क लेकर आई हूँ, जो कि आप अपने फेस पे, नेक पे, आर्म्स पर यूज कर सकते हैं, जिससे आपकी स्किन चमकने लगेगी, ग्लो करेगी, आपकी अगर स्किन डल है, ड्राइनेस को भी ठीक करेगी, उसके अलावा आपकी जो डार्क सर्कल्स पे भी आपके लिए कुछ हद तक ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ये जो रेमेडी है आपने ऑलमोस्ट तकरीबन, क्योंकि अब 2 से 3 weeks रह गए हैं, तो वीक में आपने 2 से 3 बार ये रेमेडी को अप्लाई कर लेना है। मुझसे भी क्लाइंट्स बहुत ज्यादा मैसेजेस करके पूछते हैं कि आप भी अपनी स्किन केयर शेयर करें, तो मैंने कहा चलें अब ठीक है, ईद भी आ रही है और अच्छा मौका है, तो क्यों ना आपको एक अच्छी सी रेमेडी बता दी जाए, जो मैं खुद भी कर चुकी हूँ और जो हेल्पफुल है और आपको भी बहुत ज्यादा फायदा देगी। मैं भी ये फॉलो करूंगी, आप भी इसको फॉलो कीजिएगा और मुझे इसका जरूर जरूर फीडबैक देना है कमेंट में। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो अब शुरू करते हैं अपने वीडियो को। सो इस फेस मास्क के इंग्रेडिएंट्स हैं, द नंबर वन इज ग्राम फ्लोर, सेकंड वन इज लेमन, थर्ड वन इज हनी एंड द फोर्थ वन इज विटामिन ई कैप्सूल। तो अब हम, मैं पहले आपको बताऊंगी क्यों हम इसको यूज करें, बिकॉज हमने कोई भी चीज बेमिक्सर नहीं यूज करनी, उसका आपको प्रॉपर फायदा हो, किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। तो अब मैं वन बाय वन इन इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपको बताऊंगी, इसमें ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है जो हम इसको इस मास्क में यूज करें। द फर्स्ट वन इज ग्राम फ्लोर। जो ग्राम फ्लोर है, जिसको हम बेसन भी कहते हैं, ये हमारी स्किन को साफ करता है, इसको क्लींस करता है, उसके अलावा जो हमारे एक्सेस ऑयल हमारी स्किन पर आते हैं उसको अब्सॉर्ब करता है। ग्राम फ्लोर के अंदर एल्कलाइजिंग प्रॉपर्टीज होती है, जो हमारी स्किन की पीएच को मेंटेन करता है और हमारी स्किन को ग्लो भी प्रोवाइड करता है। तो अब आते हैं द सेकंड इंग्रेडिएंट, विच इज लेमन। इट इज अ ग्रेट एक्सफोलिएंट, ये हमारी स्किन टैनिंग को भी ये रिड्यूस करेगा, एक्ने को फाइट करता है, ड्राई स्किन को भी हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि डिहाइड्रेटेड है स्किन हमारी, बहुत ज्यादा वाटर इंटेक तो हमने किया नहीं अच्छे से, जो हमारी स्किन ड्राई होगी, फ्रूट्स वेजिटेबल्स तो हमने लिए नहीं है, ऑयली फूड लिया तो हमारी स्किन अब हो गई है खराब, तो उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अच्छा, जो लेमन होता है ना, वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है एज एन एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज, उसमें होती है हमारी रिंकल्स को, फाइन लाइंस को रिड्यूस करता है, उसके अलावा जो बहुत ज्यादा ब्लैक हेड्स होते हैं कुछ पर्सन में, उनके लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। एज एन एंटीसेप्टिक जो है, ये हमारी डिफरेंट जो स्किन की एलर्जीज होती हैं या स्किन प्रॉब्लम्स होती है, तो लेमन उनको भी ये हेल्प करता है, उनको कॉप अप करने के लिए, उनको रिड्यूस करने के लिए। उसके अलावा अगर डार्क स्पॉट्स हैं, ब्लेमिशेज हैं स्किन में, तो उसके लिए बहुत ये सही रहता है, और एज एन क्लींजिंग एजेंट भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, तो इसको भी हम इसलिए यूज कर रहे हैं। एंड थर्ड इंग्रेडिएंट इज हनी। अच्छा, जो हनी है ना, इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज है, इसलिए अगर हम रेमेडीज को जब देखते हैं, तो मोस्टली रेमेडीज में हम इसको, हनी को यूज करते हैं, क्योंकि आपकी स्किन के लिए बहुत बहुत ज्यादा ये बेनिफिशियल होता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, ऑयली नहीं करता, मॉइस्चराइज करता है डीपली उसको जाके। हनी जो है एक्ने क्योर के लिए भी यूज होता है, क्योंकि हनी जो होता है बॉडी में जाके जो बैलेंस करता है बैक्टीरिया को, जो कि हमारी एक्ने को कंट्रोल करता है, हनी हमारे स्किन में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उनको जाके बैलेंस करता है, ताकि एक्ने कंट्रोल हो सके, स्किन को क्लींस करता है, उसके अलावा जो हीलिंग प्रोसेस ऑफ द एक्ने होता है उसको भी ये स्पीड अप करता है। क्योंकि स्पेशली इस मास्क को हम यूज कर रहे हैं ग्लोइंग के लिए, तो जो हनी के अंदर स्पेशल एंजाइम होते हैं जो हमारी जो एक्टिव हो जाते हैं हमारी स्किन में जाकर, और इनसाइड आउट हमारी स्किन सेल्स को ग्लो प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा जो स्किन है वो हमारी इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, ठीक है, तो इस तरह सनबर्न जो हो जाते हैं, बिकॉज अब गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा तपिश है, तो उसमें ये हमारे जो सनबर्न्स को भी ये सूथ करने के लिए ये हनी यूज कर सकते हैं हम अपनी स्किन के ऊपर। और अगर हमारे एक्ने स्कार्स हैं, किसी भी तरह के कोई लाइटन स्कार्स हैं हमारी बॉडी पर, तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो ये हमारी इसको भी रिड्यूस करेगा। अगर आपके कोई भी निशान है हैंड पर या फेस पर कोई भी, तो आप उस पर अप्लाई करके ओवरनाइट इसको यूज करें, सुबह उठ के उसको साफ कर लिया करें, सो दैट स्कार विल फेड अवे। फोर्थ इंग्रेडिएंट है हमारा विटामिन ई। विटामिन ई क्यों हम यूज कर रहे हैं? जो विटामिन ई है ये फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, ठीक है, तो हमारी स्किन पर भी ये एज एन एंटीऑक्सीडेंट वर्क करता है, फ्री रेडिकल को रिमूव करता है, हमारी स्किन लेयर्स पर जो डैमेजेस होते हैं उसको ये क्योर करता है।
विटामिन ई हमारे नेचुरल भी हमारे सीबम यानी कि हमारी जो स्किन ऑयल के अंदर ये प्रेजेंट होता है जो हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं, तो ऑलरेडी भी हमारी स्किन पर विटामिन ई होता है, लेकिन बिकॉज ऑफ द सन बर्न, बिकॉज ऑफ द डिहाइड्रेशन, ये इसका लेवल हमारी बॉडी में कम हो जाता है, तो इसीलिए हम इसको यूज करते हैं टू क्योर दैट डलनेस एंड ड्राइनेस ऑफ द स्किन। सेल की रीजनरेशन को ये प्रमोट करेगा, जो स्किन सेल हमारे डेड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द डलनेस ड्राइनेस या टैनिंग की वजह से, उसको ये रिमूव करके न्यू स्किन सेल्स को जनरेट करेगा। और क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इन्फ्लेमेशन जो होती है स्किन की उसको रिड्यूस करेगा। अगर आपको हाइपर पिगमेंटेशन का इशू है तो उसको भी ये रिड्यूस करेगा। अच्छा, क्योंकि हम इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करते कि आप चीज़ ऊपर लगाएं, जाहिर बात है आप खाएंगे तो आपको उसका कितना ज़्यादा फायदा होगा, तो आपने अपनी डाइट को ही अच्छा रखना है ताकि आपकी स्किन अच्छी रहे, आपका फेस ग्लो करे, आपकी आपको सारे बेनिफिट मिल सके। ये रिकमेंडेड नहीं होता कि आप ऊपर लगाएं, जाहिर बात है एक चीज़ जो आपने ऊपर लगा के उसको बिल्कुल उसके जस्ट 5% उसका फायदा लेना, वही आप उसको खाएंगे तो आपको 100% फायदा होगा। लेकिन क्योंकि अब बात है इंस्टेंट की, टाइम हमारे पास कम है, तो उसके लिए हम इसको इसलिए यूज़ कर रहे हैं। सो ये थे 4 इंग्रेडिएंट्स जो हम इस रेमेडी में यूज करेंगे। मैंने आपको इसके सारे ओवरऑल बेनिफिट्स बता दिए ताकि आपको पता हो ये चीज यूज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं और किस तरह से इसका हमें फायदा होगा। ठीक है, अगर इन 4 इंग्रेडिएंट में से अगर आपको किसी चीज से इशू है, कोई एलर्जी का, सारी बात है हर एक की एलर्जी जो कंडीशन होती है वो हर पर्सन की हर फूड पे डिफरेंट होती है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से किसी चीज से एलर्जी है तो आपने उसको बिल्कुल भी यूज नहीं करना, बाकी आप चीज को इजीली यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं अब लेमन जो है मैं बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी में यूज कर सकती हूं, तो हम अपनी रेमेडी के अंदर लेमन को बिल्कुल लाइट यूज करेंगे। लेकिन अगर आप पर्सन है जिनको लेमन सूट करता है वो लेमन की एक प्रॉपर क्वांटिटी ले सकते हैं, जो मैं आपको बनाते बनाते बताऊंगी कि क्या इसकी नॉर्मल क्वांटिटी है और अगर आप एलर्जी का तो आपने कितनी लेनी है। ठीक है, तो अब चलते हैं ग्लोइंग मास्क बनाने की तरफ। तो रेमेडी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक बाउल और एक चम्मच है द फर्स्ट इंग्रेडिएंट विच इज ग्राम फ्लोर। अच्छा, तो सबसे पहले ना हमें 1 स्पून चाहिए ग्राम फ्लोर की। ठीक है, अब डिपेंड करता है, अगर तो आपने जस्ट फेस मास्क बनाना है तो 1 स्पून इज इनफ, और अगर आपने अपनी नेक पर भी यूज करना है, अपने आर्म्स या हैंड्स पर भी यूज करना है, तो उसको 2 से 3 चम्मच तक आपने ग्राम फ्लोर ले लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले ग्राम फ्लोर हो गया। अब इसमें डालेंगे हम 1 स्पून ऑफ द हनी, इसको हनी को अच्छे से इसमें डाल के अच्छे से इसको मिक्स करना है। आपने इसको आपने इस तरीके से मिक्स करना है कि आपकी एक प्रॉपर पेस्ट बन जाए। ठीक है, अगर इसमें नहीं उसको अच्छे तरीके से 1 स्पून से उसकी पेस्ट बन रहा तो आपने उसकी हनी की क्वांटिटी को डबल कर लेना। ठीक है, जब तक उसका अच्छे से पेस्ट ना बन जाए, तो अब हम इसको सबसे पहले करते हैं मिक्स अच्छे से। ऐसे जब आप इसको करते रहेंगे ना तो ये हो जाएगा मिक्स। ठीक है, ये देखें, ये पेस्ट की फॉर्म में बन गया, लुक अच्छे से मिक्स कर। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, 4 से 5 मिनट, लेकिन ये इजीली हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से मिक्स, लुक जब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ना आप, तो इस तरह एक मजे का पेस्ट बन जाएगा। इग्नोर दैट होल वाला बिकॉज इट्स सैरी टाइम। अच्छा, तो ये आपका ऐसे पेस्ट बन जाएगा। अब इसके अंदर डालेंगे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन। अच्छा, अब क्योंकि लेमन मेरी स्किन को इतना सूट नहीं करता, तो मैं बिल्कुल 2 से 3 ड्रॉप्स इसके डालूंगी, लेकिन अगर आपको सूट करता है तो आप इसका हाफ लेमन भी इजीली इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें यूज करूंगी अबाउट 3 to 4 ड्रॉप्स। ठीक है, तो अब इसको भी मिक्स कर लेते हैं अगेन। ठीक है, इसको भी अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है ताकि सारे इन्ग्रीडियंट्स अच्छे से मिक्स हो जाए, अच्छा सा मास्क बन जाए। अब हम यूज करेंगे विटामिन ई, एक ही कैप्सूल इसमें यूज करेंगे। ठीक है, इसके अच्छे तरीके से इसको निकाल लेना है। ठीक है, या कोई किसी भी सिंपल स्टोर से मिल जाएगी विटामिन ई, तो इजीली मिल जाता है, किसी भी ज्वेलरी आपको किसी भी मेकअप शॉप से भी मिल जाएगी, उसके अलावा अगर आप मेडिकल स्टोर से भी इसको ले सकते हैं इजीली। ठीक है, तो अच्छे से इसको निकाल लेना है। अब हमने डालनी है इसमें सारे इंग्रीडियंट, इसको अच्छे से मिक्स करना है बिल्कुल अच्छे से। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा स्मूथ सिल्की सी होती है, तो आपने इसको उसी तरीके से बनाना है। ठीक है, अच्छे से कर लिया अब हमने मिक्स, कुछ ऐसा दिखेगा। अब ये मास्क रेडी अप्लाई करने के लिए, तो अब इसको आप अप्लाई करें। ठीक है, तो इसको अप्लाई करेंगे, मैं इसको हैंड्स पर अप्लाई करूंगी। ठीक है, तो आप इसको नेक पर, फेस पर, आर्म्स पर और हैंड्स पर अप्लाई कर सकते हैं। ये मास्क अप्लाई करने से पहले अपने फेस पे, आर्म पे, जहां भी इसको अप्लाई करना है, आपने लीक वाटर से साफ करके ड्राई कर लेना है। ठीक है, टॉवल से।
आर्म्स पे नेक पे इसको अप्लाई कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अप्लाई करने के बाद आपने इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट तक इसको ऐसे स्टेयर करना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको लिक्विड वाटर से साफ कर लेना है और ग्लो चेक करना है, ठीक है। आपको इंस्टेंटली इसका रिजल्ट मिलेगा। तो अब हम वेट करते हैं 25 मिनट तक। 25 मिनट बाद हम ग्लो चेक करेंगे, ठीक है। 25 मिनट्स के बाद लिक्विड वाटर से सारा जो मास्क है उसको हमने साफ कर लिया, ठीक है। उसको जैसे कि स्क्रब की तरह साफ किया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं स्किन बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज हो गई है, उसके अलावा उसमें ग्लो भी आ गया है, ठीक है। तो आप इस रेमेडी को जरूर फॉलो करें। ईद तक तकरीबन 4 बार आप इसको अप्लाई कर चुके होंगे, तो आप इसको अप्लाई करें, इससे आपकी स्किन को ग्लो मिलेगा, व्हाइटन भी होगी, टैनिंग खत्म होगी। फिर आप देखेंगे कि ईद पर आपकी स्किन बिल्कुल मॉइस्चराइज होगी, टैनिंग भी खत्म हो जाएगी और आपकी स्किन व्हाइटन होगी और ग्लो करेगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमें सजेशन दे सकते हैं, वेट लॉस, वेट गेनिंग, स्किन रिलेटेड आपको जैसे भी वीडियो नेक्स्ट चाहिए हो तो आप हमें सजेशन दे सकते हैं कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको स्किन ग्लोइंग, वेट लॉस, वेट गेनिंग चैलेंजेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इस रेमेडी को आपने फॉलो करना है, ठीक है। मुझे अपना फीडबैक देना है अप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको जरूर लाइक, कमेंट, शेयर करें। डोंट फॉरगेट टू शेयर योर फीडबैक आफ्टर अप्लाइंग दिस मास्क। थैंक यू। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन ताकि कोई भी न्यू आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। अल्लाह हाफिज़।